नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर साइट पर ईंट आती है आपके आने से पहले तो उसकी गिनती हम कैसे कर सकते हैं। आप चाहे फ्रेशर हो या नए नए सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन की है, जहाँ फिर आप घर बना रहे हो, तो आप ईंटों की गिनती कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकाल सकते हो, आपको इस वीडियो में मैं दो मेथड बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल सकते हैं कि आपके पास कितनी ब्रिक्स आई हैं। और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये वीडियो पूरा देखने पर आप ईंटों की गिनती बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे कि सबसे पहले किस साइट पर अगर हमारी ब्रिक आ चुकी है तो उसको हम कैसे गिनती कैसे करें कि हमारे पास कितनी ब्रिक्स हैं। दोस्तों, एक बहुत ही आसान तरीका है सबसे पहले ब्रिक्स को गिनने का। सबसे पहले आपने तीन तरफ से ब्रिक गिननी है, एक तो आपने इस तरफ से ब्रिक गिननी है और एक आपने गिननी है इस तरफ से, और एक आपने इसकी गिननी है लंबाई भी कितनी ऊँची रखी हुई है। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जो हमारी ब्रिक्स हैं वो उसकी ऊंचाई कितनी है। ये देखिए दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 आप देख सकते हैं कि हमारी जो ब्रिक्स की हाइट है वो 25 है और हमने इसको इस तरफ से गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो हमारा, हमने एक तरफ से हेडर गिनना है, हेडर को काउंट करना है, और दूसरी तरफ से स्ट्रेचर को काउंट करना है। जो हमारी हेडर की गिनती है वो 12 और अब इस तरफ से हम गिनेंगे। आपने एक तरफ से हेडर गिनना है, एक तरफ से स्ट्रेचर गिनना है। इधर हमारे 12 और इधर हमने स्ट्रेचर गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5 सीधा सा हिसाब। अब जो उसकी हाइट है 25, स्ट्रेचर हमारा जो हेडर है वो है 12, वो स्ट्रेचर है 5, और तीनों को मल्टीप्लाई कर देना और ये हमारी जो टोटल ब्रिक्स की कैलकुलेशन आती है वो है 1500। जी दोस्तों, ये जो आपके सामने ब्रिक्स पड़ी हैं ये 1500 है। और एक दूसरी दीवार को गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इस तरफ है स्ट्रेचर, 1, 2, 3, 4 जो इसकी हाइट है वो 25 है, आप गिन सकते हो। अगर दोस्तों इस चट्ठे की बात करें तो एक तरफ हमारे 8 हैं जो हमने हेडर गिनना है, हेडर की गिनती 8 है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारे एक तरफ 8 हो गए और इस तरफ 4 हो गए। स्ट्रेचर एक तरफ गिनना है, 1, 2, 3, 4 ठीक है, जो इसकी हाइट है वो 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 जो इसकी हाइट है वो 25 है। और ये इसकी जो कैलकुलेशन करोगे आप लेंथ ब्रेथ हाइट की करोगे तो ये 800 ईंट बनती है। जो इसके ऊपर पड़ी हुई है, जो इसके ऊपर है वो है 2, जो स्ट्रेचर है वो 2 है, और इधर से जो आपने हेडर की गिनती करनी है वो 4 है, और 4 और 2 और इसकी हाइट गिननी है 6, ये आपके पास 48 काउंट होके आता है। और इसके ऊपर जो ऊपर पड़ा है, ऊपर पड़ा है इसके 2 ईंट, ये टोटल ऊपर जो ईंटें पड़ी हैं उसकी 50 की काउंटिंग आ रही है, और नीचे 800। तो इस तरफ दोस्तों हमारी 850 हैं, तो उस तरफ है हमारी 1500, ये टोटल जो हुई है ये 2350 हमारी ईंटें आ चुकी हैं, और बाकी की ईंट हमारी दूसरी साइड उतर रही है। दोस्तों आपको एक और तरीका भी बताते हैं ईंटें की काउंटिंग करने का। जो ये स्ट्रेचर है, एक स्ट्रेचर में 50 ईंटें होती हैं ऊपर से लेके नीचे तक,
नीचे से लेके ऊपर तक इसकी गिनती होगी 25, और इसमें दो दो ईंटें होती हैं, तो ये एक 50 का हमारी एक घोड़ी बन गई। इसको हम कैलकुलेट करेंगे एक दो तीन चार पाँच, हमारी इस तरफ 5 घोड़ी हैं और इस तरफ हमारी हैं 1 2 3 4, और 5 × 4 ये बना हमारा 20। और इसकी जो हम गिनती करते हैं एक घोड़ी में कितनी होती है, एक घोड़ी में हमारी होती हैं 50 ईंटें, तो हमारी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे बन गया 1000 ईंट। ये हमारी इस वक्त यहाँ पर 1000 ईंटें पड़ी हैं। और दोस्तों इधर से आप करेंगे तो इधर एक घोड़ी अलग से लगाई हुई है, इधर एक घोड़ी है, इधर है 1 2 3 1 × 3 × 50, एक घोड़ी में जो होती हैं वो हमारी, ये हमारी घोड़ी है, इसमें 50 ईंट होते हैं। अब करेंगे 3 × 50, 1 हमारा इधर से हो गया और 1 × 3 × 50, तो ये हमारा हो गया 150। तो जो इस चट्ठे में हमारी जो ईंटें हैं टोटल वो 1050 ईंटें हैं। जो इससे पहले हमने काउंट की थी वो है 2350, और जो हमने टोटल ब्रिक्स का ऑर्डर दिया था वो है 3500 ईंट का ऑर्डर हमने दिया था। तो ये हमारी प्रॉपर ईंटों की कैलकुलेशन हो चुकी है।